गाइज वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइज आज के वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छी लगने वाली है बहुत लंबे टाइम से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे इस तरह की वीडियो के लिए सो so, फाइनली आज मैं लेके आई हूँ इसके अंदर बहुत प्यारे फाइव सूट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें चिकनकारी भी है कुछ ऐसे ट्रेंडी डिजाइन के कुर्ता सेट्स भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है सो आई एम श्योर आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी इनमें जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप स्पेशल ओकेज़न पे कैरी कर सकते हैं राखी आ रही है तीज आ रही है एंड उसके बाद वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा सो so, किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर आप इन्हें पहनेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश लगेंगे साथ में कम्फी भी हैं ये सो so येस yes, क्या चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो को देखना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ लेट्स गेट स्टार्टी आज के जो फाइव लुक्स हैं ये मैंने ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर एंड वेबसाइट से पिक किए हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है जैसे कि द लूम चिकनकारी एंड जयपुरी अदा यस फाइव आउटफिट्स इन्हीं तीन वेबसाइट से होने वाले हैं सो so, अगर आप इन आउटफिट्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो इनके परचेजिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इन ब्रांड्स के इंस्टाग्राम पेजेस तो हैं ही जो बहुत ज़्यादा यू नो पॉपुलर हैं एंड इन सब ब्रांड्स की वेबसाइट्स भी है तो आप इजीली इन्हें बाय कर सकते हैं एक बार ज़रूर से आप चेकआउट कर लेना रिटर्न इन एक्सचेंज पॉलिसीज एंड अकॉर्डिंगली आप यू you नो know, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी आज की वीडियो से अच्छा लगता है सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लुक से यू गाइज ऑलरेडी नो आई लव चिकनकारी कारी कुर्तीज एंड एक ब्रांड जो इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है वो है द चिकन लेबल तो आज मैं आपके साथ द चिकन लेबल से थ्री आउटफिट शेयर करने वाली हूँ एंड मैं ना क्वालिटी के बारे में सबसे पहले बताऊँगी मैंने बहुत सारी चिकनकारी कुर्तीज़ पहनी हुई हैं बट जो हैंडवर्क की फिनिशिंग है ना इस ब्रांड पे मैंने देखी है लिटरली मैंने आज तक नहीं देखी है सो so मैं तो हाईली इंप्रेस हो गई फैब्रिक भी बहुत ही अच्छे हैं, स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी है सबसे पहले फर्स्ट लुक को ही आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू गाइस नो ब्लू कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये ब्लू कलर की चिकन कारी कुर्ती है जॉर्जेट फैब्रिक में गाइस फैब्रिक इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी है लाइक सुपर फ्लोई ब्रीदेबल सॉफ्ट एंड जो प्योर जॉर्जेट होता है ना उसके अंदर है ये सो so, स्किन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है चिकनकारी वर्क जो है थ्रेड जो यूज़ किया गया है वो सेल्फ मतलब बिल्कुल ऐसे सेम फैब्रिक के कलर में यूज़ किया गया है बट इसके अंदर एक हाईलाइटिंग पार्ट भी है वो है मकेश का काम इसके अंदर बहुत ही सुंदर सिल्वर कलर का मकेश आपको मिल जाएगा सो so, ये तो बहुत ही डिफरेंट सा डिज़ाइन था मेरे पास ऐसा कोई भी कलेक्शन में चिकनकारी नहीं था सो so, यस yes, ये तो मैं बहुत ही खुश हूँ पहन के एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो ये मकेशन है एक बार को हर बंदे को होता है कि मेटल ही होता है आई थिंक सो कहीं वो स्किन को इरीटेट तो नहीं करेगा अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तो मैंने स्पैगेटी कैरी की हुई है बट इधर कुछ भी इनर लेयर नहीं है बट फिर भी स्किन को बिल्कुल भी इरीटेट नहीं कर रहा ह्यूमिडिटी है और गर्मी है इतनी फिर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है स्किन के लिए सो so, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं अब तो मुझे पहनने के बाद एक बार को जब मैंने इसे निकाला था ना तो मुझे लग रहा था कहीं मेरे स्किन को इरीटेट तो नहीं करेगा बट येस yes, गाय जितना सुंदर लग रहा है ना देखने में उतना ही सुपर सुपरकम्फर्टेबल है ये इसके नीचे एक्चुअली लाइनिंग मेरे पास अभी सेम कलर की नहीं थी तो मैंने ब्लैक कलर का अपना जो स्पाइडी टॉप है वो इसके साथ कैरी किया है एंड मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है अभी मैंने व्हाइट प्लाजो के साथ इसे कैरी किया है बट व्हाइट के अलावा ब्लैक कलर के साथ भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी एंड ये लुक डेफिनेटली समर्स में आप कभी भी कैरी कर सकते हैं इवन दिवाली पे भी आउटफिट काफी अच्छे लगे क्योंकि इसके अंदर जो इस सिल्वर कलर का वर्क है ना रात के टाइम पे बहुत ही अच्छे से यू नो स्पार्कलिंग लगेगा गाइज इसके साथ मैंने व्हाइट कलर का जो बॉटम कैरी किया है ये भी चिकनकारी बॉटम ही है वाइट लेग बॉटम जो द चिकन लेबल पे आपको मिल जाएगा फुली इलास्टिकेटेड है एंड इसका जो फैब्रिक है वो जो सॉफ्ट फैब्रिक होता है ना मोडाल उसके अंदर है एंड यू कैन सी बहुत ही फ्लोई एंड इसके ऊपर भी सेम मतलब हैंडवर्क ही किया हुआ है सो so क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड लेंथ वगैरह भी फुल है ऐसे छोटे वाले नहीं है ये क्रॉप नहीं है अगर क्रॉप करना हो तो ऑब्वियसली मैं तो ऊपर से फोल्ड कर लेती हूँ बट यहाँ पर मैंने फुल लेंथ दिखाई है जो मुझे लंबी आ रही है सो गाइज फर्स्ट लुक को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ आपके लिए तो मैंने ब्लू कलर की चिकन कारी कुर्ती पहनी है इसके नीचे मैंने ब्लैक स्पैगेटी कैरी कर ली नीचे व्हाइट चिकन कैरी बॉटम ले लिया स्लीपर्स मैंने पहनी है फ्लैट जो मैंने अमेजोन से ली थी कुछ टाइम पहले ही आपके साथ शेयर की है उसके साथ सिल्वर झुमकियाँ मैंने कैरी कर ली सो समर्स में इससे ज़्यादा ज्वेलरी मैं नहीं कैरी कर पाती और इसके बाद मैंने हल्का सा मेकअप किया है अगर आप मेकअप करना पसंद नहीं करते तो आप जस्ट लिपस्टिक लगा लो गई जब से मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रही हूँ ना मतलब लिपस्टिक्स का तो मुझे इतना शौक चढ़ा हुआ है बट क्या होता है अगर आपको शौक है कि बहुत सारी लिपस्टिक्स होनी चाहिए डिफरेंट फॉर्मुलेशन में डिफरेंट कलर में सो इशू ये आता है कि पूरी पैकेज अगर आप लेते हो ना बड़ी में सो so वो ख़त्म नहीं हो पाती उससे पहले ही वो ड्राई हो जाती है वेस्ट हो जाती है सो so, इस केस में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसे ऑप्शन शेयर करूंगी जो मिनी पैकेजिंग के अंदर आते हैं बहुत ही अफोर्डेबल हैं एंड फार्मुलेशन भी बहुत ही अमेजिंग है सो गाइज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की ये कम्फी मैट लिपस्टिक आप देख सकते हैं कितनी छोटू क्यूट पैकेजिंग के अंदर है एंड ऐसी है जो आप इजिली बैग में रख सकते हैं एक नी दो तीन छोटे छोटे छोटा सा जो पर्स होगा ना उसके अंदर भी इजिले आ जाएंगे एंड इनका फॉर्मुलेशन बहुत ही सुंदर है गाइज एक तो मैंने लगाया हुआ है छोटा वोन है ना तो इजिल आप अपने लिप्स को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं सो so, एप्लीकेशन भी बहुत ही ईजी है फॉर्मूला ऐसा है जो सुपर क्रीमी है मैट है एंड ट्रांसफर प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग है मेरे पास इसमें सेवन शेड्स हैं। मैं एक एक करके आपको स्वॉचेस दिखाऊंगी डिफरेंट आउटफिट्स के साथ पे आई हार्ट ब्यूटी सेल चल रही है सेकंड को स्टार्ट हुई थी तक चलने वाली जाएंगी। क्योंकि इनके भी आपको मिल जाएंगे, अच्छे खासे so चेकआउट कर लेना इनके परचेजिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको भी मेरी तरह चिकनकारी बहुत पसंद है एक हाई क्वालिटी चिकनकारी कुर्ती आपको चाहिए तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर आई थिंक कलर ऑप्शन हर पीस के अंदर आपको मल्टीपल मिल जाएंगे नाउ चिकेनकारी में दो लुक्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ता सेट फ्रॉम द लूम सो मैं बहुत बार आपको वीडियोज में बोलती हूँ इस ब्रांड का रेफरेंस देती हूँ सो फाइनली मैंने इनका ये आउटफिट ट्राई किया है कॉटन फैब्रिक में है पिंक कलर में है एंड इस पे कट वर्क किया हुआ है स्लीव पे पैनल पे फ्लेयर पे एंड दुपट्टा पे दुपट्टा तो इसके अंदर ऑर्गेंजा का है जो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे ना इस तरह के कुर्ता सेट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी तो मुझे लगा फाइनली मैं चेक करती हूँ ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा ये एक तो फैब्रिक ऐसा है ना कॉटन जो काफ़ी सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल रहता है तो लुक तो आपको वो स्पेशल वाला मिलेगा बट कम्फर्ट आपको एवरी वाला मिलने वाला है इसके अंदर वी नेक है एंड इसमें ये क्रोशिया वाला जो लेस होता है एंड जो ऑर्गेन्जा पे है उससे ये वी नेक पे काम किया हुआ है एंड ये आलिया कट में है सो सुपर कम्फी है एक्चुअली चिकनकारी में भी मैंने ऑब्जर्व uh, किया कि मीडियम साइज़ मुझे लूज़ लग रहा है मेरा वैसे रेगुलर साइज़ 38 एट मीडियम ही आता है बट इनके अंदर आई थिंक मैं साइज़ डाउन कर सकती थी सेम मुझे इस पिंक वाले कुर्ता सेट के साथ लगा आई थिंक स्मॉल परफेक्ट आता बट मीडियम में लूज़ फिट भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आलिया कट में इस तरह के लूज़ फिट वाले लुक अच्छे लगते हैं लेंथ वगैरह आप देख सकते हैं परफेक्ट है सी थ्रू भी नहीं है एंड इसके साथ जो बॉटम है ये सेमी uh, इलास्टिकेटेड है एंड यहाँ पर नीचे सेम तरह का ऑर्गेंजा में ये थ्रेड वर्क मिल जाएगा एंड दुपट्टा तो ऑर्गेंजा का ही है इसके अंदर ये पोल का डोर्स भी लगाए हुए हैं एंड यस फुल लेंथ एंड वर्थ का दुपट्टा है ये आप किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर कैरी कर सकते हो ऐसे लुक है जो लुक तो बहुत ही अच्छे स्पेशल है बट आउटफिट सुपर इजी ब्रीजी कम्फी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी हैवी है इवन आप चाहें तो अपने वर्क प्लेस पे भी इसे कैरी कर सकते हैं विदाउट दुपट्टा अगर आप इस तरह के कुर्ता सेट्स कैरी करते हैं तो सो so, ये था सेकेंड लुक बताइएगा आपको कैसा लगा ना होगा थर्ड लुक है वो बहुत ही सुंदर येलो कलर की चिकन कैरी कुर्ता सेट के अंदर है ये थ्री पीस में है सो so, कोई झंझट नहीं है आपको मिक्स मैच करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एंड ये भी जॉर्जेट फैब्रिक में गाइस मैं अगेन से बोलूँगी कि जो हैंडवर्क की क्वालिटी है जो फिनिशिंग है ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है कई बार क्या होता है अगर आप टाइट थ्रेड लेते हैं तो मतलब फैब्रिक इकट्ठा सा हो जाता है मैंने देखी है ऐसी मेरे पास आउटफिट्स हैं चिकनकारी के जिसमें फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है बट यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग है बहुत ही नीट एंड क्लीन है लाइक ऐसे लग ही नहीं रहा कि हैंडवर्क है मतलब इतना एक्यूरेसी से किया हुआ है बट ये है हैंडवर्क ही पूरा फ्रंट पैनल पर हैवी वर्क मिल जाता है बैक साइड में भी आपको काफी मिलेगा बट थोड़ा सा डेंस नहीं है यहाँ पर स्लीव्स पे इस तरह का है बूटियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर ये यह फुल स्लीव्स के अंदर है गाइज इसमें भी आई थिंक मुझे स्मॉल साइज आ जाता मीडियम साइज़ में हल्का सा लूज फिट है बट कंफर्टेबल लग रहा है सो so, गाइज इसके अंदर भी चिकन कैरी के साथ साथ मकेश वर्क भी है सो so, एक एडिशनल फेस्टिव एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है स्पेशली अगर आप इसे रात के टाइम पर भी कैरी करेंगे ना तो थोड़ा सा स्पार्क इसके अंदर ऐड हो जाता है इसके नीचे भी मेरे पास लाइनिंग नहीं थी तो मैंने बहुत जुगाड़ किया हुआ है बट यस yes, मैं इसके साथ ना सेम कलर की येलो कलर की फुल लेंथ के अंदर ना एक कॉटन फैब्रिक में स्लिप ले लूँगी एंड ये परफेक्ट रहेगा इसके साथ जो बॉटम आता है फैब्रिक सेम है एंड इसके अंदर तो लाइनिंग दी हुई है इसमें सेंटून की लाइनिंग है सो so, इसमें कोई इशू नहीं है इस तरह का सी थ्रू का एंड यहाँ पर भी मकेश एंड हैंड वर्क चिकन कारी मिल जाता है एंड गाइस दुपट्टा शिफोन में एंड सुपर सॉफ्ट एंड फुल जो प्योर क्वालिटी का शिफोन होता है ना वो है एंड इसके अंदर आपको पूरा ये मकेश दिया हुआ है और साथ में चारों तरफ इस तरह से ये क्रोशे वाली लेस लगाई हुई so, है सो ये थ्री पीस कुर्ता सेट तो परफेक्ट है किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है क्या मिक्स मैच करो फुटवेयर डाल लो जुत्ती डाल लो हल्का सा मेकअप कर लो एंड यू आर सॉर्टेड सो ये है नेक्स्ट चिकन कार्य कुर्ती डेफिनेटली आप मुझे फीडबैक जरूर से देना कि आपको ये कैसी लग रही है इसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी चिकन कारी कुर्ती से ही मैंने लुक क्रिएट किया है एंड इसका कलर स्पेशली मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसका फैब्रिक आई थिंक सिल्क है या मतलब मुझे समझ में नहीं रहा बट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है शाइन तो इसके अंदर सिल्क जैसी ही लग रही है सो बहुत ही प्यारे कलर के अंदर एंड ये अंगरखा पैटर्न के अंदर है ऑब्वियसली फंक्शनल अंगरखा नहीं है बट इस तरह से इसके अंदर ये टेसल्स वगैरह मिल जाएंगी एंड योग पार्ट पे बहुत ही हैवी हैंड वॉक किया हुआ है चिकनकारी से बैक पे भी आपको मिल जाएगा एंड इसके अंदर ये यू you नो know, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मकेश है और यहाँ पर छोटा है सो so बहुत ही प्यारा है गाइज ये ना मुझे ढीले लग रहे हैं बिकॉज मैंने अपना रेगुलर जो साइज़ है ना मीडियम वो ही लिया तो मैं आपको अगेन एक चीज़ मैंशन करूंगी कि आप अपना साइज डाउन कर लेना एक साइज कम लेंगे तो भी ये परफेक्ट आ जाएंगे इसमें स्लीव पे भी आपको वर्क मिल जाएगा एंड यहाँ पर पूरा फ्लेयर पे भी इसमें एज सच मुझे सी थ्रू का कोई भी इशू नहीं हुआ सो so आपको इसके नीचे लेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है इसे वाइट बॉटम के साथ मैंने कैरी किया है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी लुक के अंदर एंड इस तरह से नेक्स्ट लुक क्रिएट हुआ स्पेशली कलर बहुत ही प्यारा है डे टाइम पे पहन लो नाइट टाइम पे पहन लो कंफर्टेबल एंड बहुत ही सुंदर सा है लास्ट लुक का जो है पैटर्न वो अनारकली एंड फ्लेयर में है अम्ब्रेला कट है एक्चुअली एंड ये भी कॉटन फैब्रिक में है इसका ब्रांड है जयपुरी अदा एंड गाइस अनारकली के अंदर ना बहुत ही बल्की लुक आ जाता है अगर फिटिंग अच्छी ना हो यहाँ पर इस कुर्ता सेट की आप देख सकते हैं परफेक्ट फिटिंग है मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी मैं अनार ना बहुत ही झिझक के लेती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बल्कि दिखाता है वो बट ये ना आपके जो नैरोएस्ट पार्ट है ना बॉडी का लाइक वेस्ट पर बहुत ही अच्छे से इसका एम्पायर लाइन जाके ख़त्म होता है और उसके बाद फ्लेयर आता है सो so बहुत ही बढ़िया फ़िटिंग है फिटिंग के लिए तो मैं इसे टेन ऑन टेन देने वाली हूँ और उसके बाद फैब्रिक तो हंड्रेड परसेंट कॉटन है एंड इसके अंदर ये ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई है हैंड प्रिंटिंग की हुई है फुल आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी एंड फ्लेयर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइज इसका एंड यहाँ पर आपको ये गोटे का काम मिल जाएगा तो पूरा वो राजस्थानी वाइब इसके अंदर है सो दिस इज़ द टॉप पार्ट इसके साथ बॉटम आपको सेम कलर में मिलेगा एंड डिफरेंट पैटर्न है फ्लोरल नैरो स्मार्ट पैंट्स हैं एंड ये सेमी इलेस्टिकेटेड है मीडियम साइज गाइज इसके अंदर मेरा जो रेगुलर है वो परफेक्ट आ रहा है दुपट्टा इसका है चंदेरी फैब्रिक में बहुत ही हैवी एंड रिच लुक इससे ऐड होता है यहाँ पर कुर्ता सेट कॉटन में है बट दुपट्टा चंदेरी में है ऐसा दुपट्टा है जो आप अदर कुर्ता सेट्स के साथ जो सॉलिड कलर में होते हैं ईजीली पेयर कर सकते हैं सो so, ये लास्ट लुक हो गई जो अनारकली को पसंद करते हैं कॉटन फैब्रिक में ईजी ब्रीजी बट हैवी लुक वाला कुर्ता सेट चाहते हैं पहनना वो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं बोगाइज so, ये था लास्ट लुक आई होप आपको अच्छा लगा ये तो ऑलरेडी मैं एक जगह पर गई थी वहाँ पर मैंने पहना था सबको बहुत ही पसंद आया था और मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल लगा पूरे दिन मैंने इसे कैरी किया था सो so डेफिनेटली इन पीसेस को आप आउट कर सकते हैं इनके परचेसिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे जरूर से बताना अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर से मुझे बताना इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ बहुत जल्दी आपसे मिलती नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय बाय